तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के अंदर। और आज हमारे पास है हमारी रॉयल इनफील्ड बुलेट, रॉयल जो यानी कि अपने ही फील्ड में एक रॉयल सवारी कहलाती है, रॉयल फील्ड इनफील्ड क्लासिक 350, बिल्कुल जेट ब्लैक, HR6 रजिस्टर्ड है ये। और इसका फ्रंट लुक कुछ इस प्रकार है। ये 2020 का मॉडल है जो हमारी पहले आती, अब ये नई आई है 2021, उससे पहले वाला ही ये मॉडल। और इसका फ्रंट लुक कुछ इस प्रकार का रहता है गाड़ी का। फ्रंट में इन्होंने एक नई जाली लगवा रखी है, यानी कि ये पूरी एक किट आती है, ये अलग से लगती है। ये पार्किंग बल्ब भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। और ऑल ब्लैक ये गाड़ी रहती है बिल्कुल। इन्होंने अभी उसके अंदर अलॉय व्हील भी नहीं इंस्टॉल किए हैं। 2020 का ये मॉडल है, इसमें ABS दिया गया है। ABS इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है हमें। सिंगल हॉर्न देते हैं, डबल हॉर्न आता था वैसे तो क्लासिक में, लेकिन इसमें सिंगल हॉर्न ही दिया गया है। और इंजन का कलर है वो पूरा ब्लैक रहता है गाड़ी का। और अगर इसकी साइड लुक बात करें तो साइड लुक इसकी हमारी ऐसे ही इस प्रकार की आती है। साइड लुक वाइज भी बाइक बिल्कुल कमाल की लगती है। और इसके ऊपर अगर हम इसकी राइड की बात करें तो राइड में रॉयल इनफील्ड ने इसके अंदर बिल्कुल सुधार कर रखा है। इसकी जो मतलब अब राइड है वो बिल्कुल ही स्मूथ हो चुकी है। और जैसे पहले वाइब्रेशन आती थी इसके हैंडल में, वो वाइब्रेशन अब इन्होंने वर्क किया है, काफ़ी मात्रा में कम हो चुकी है। अभी आप देख सकते हो बिल्कुल नई ही बाइक है, अभी इसकी पन्नी भी नहीं उतरी है अच्छे से। और साइड वाले पे इन्होंने अपना एक हॉर्स का टैटू बनवा रखा है। नीचे 350 क्लासिक की बैजिंग मिल जाती है। ABS दिए जाते हैं, मतलब दोनों साइड इसमें ABS मिलते हैं। इस प्रकार का कुछ इसका बैक लुक रहता है। और इन्होंने एग्जॉस्ट जो है वो बाहर से इंस्टॉल करवा रखा है। इसकी एग्जॉस्ट की साउंड भी आपको सुनाएंगे। और इस साइड इन्होंने एक टैटू और निकलवा रखा है। ये जिम मतलब लवर हैं, जिनकी ये बाइक है उन्हें जिम करनी पसंद है, तो उन्होंने अपना जिम का टैटू बनवा रखा है इस बाइक के ऊपर। और जिम लवर हैं इस पे, फिर इधर फिर क्लासिक 350 की बैजिंग और यहाँ रॉयल इनफील्ड। और इसकी अगर ऊपर से, हाँ, इसके अंदर एक ये दिया गया है, इसमें ये पता नहीं क्यों हो जाता है। अभी इन्होंने लिए हाल, मतलब गाड़ी को कुछ ही समय हुआ है, लेकिन इनका जो यहाँ से जो ये स्टील है ना, ये गर्म होने की वजह से यहाँ से पीला पड़ चुका है, पीलापन आ चुका है इसमें। यहाँ फिर रिफ्लेक्टर भी दिए जाते हैं, ये आगे वाले हैं, आगे वाले शोकर्स पे रिफ्लेक्टर भी दिए जाते हैं। इसमें पहले नहीं दिए जाते थे, लेकिन ये 2020 के बाद ही स्टार्ट किए हैं। अब 2021 वाली जो आई हुई है उसका भी आपको दिखाएंगे। इसमें जो हेडलाइट है वो अपने आप ऑटोमेटिक ऑन रहती है, ये इन्होंने स्विच लगवा रखा है हेडलाइट के लिए। और इनके मीटर इसके अंदर कुछ इस प्रकार का रहता है कि इसमें वाइट, ब्लैक और रेड कलर की इसके अंदर सुई दी गई है, जो मीटर आपने रेस की है। ये इधर पेट्रोल का स्विच दे रखा है, जैसे पहले जो इससे पहले की बाइक हैं उनके अंदर पेट्रोल का पता नहीं चलता था कि गाड़ी के अंदर कितना रहता है, रिजरो का नहीं पता चलता था। उनके लिए रिजरो का जो है वो नीचे दिया गया था यहाँ कार्बोरेटर के अंदर, लेकिन इस बार इन 2020 से इन गाड़ियों के अंदर कोई कार्बोरेटर नहीं दिया जाता। इनके अंदर कोई कार्बोरेटर नहीं मिलता हमें, कार्बोरेटर नहीं मिलता, तो वो जो इनके रिजरो थी वो रिजरो का पता कैसे चलता, तो इसलिए उन्होंने अब यहाँ मीटर दे दिया है ऑयल का, जिससे पता चल जाता है कि हाँ आप गाड़ी रिजरो में लग चुकी है। और इसका जो कार्बोरेटर है वो हम दिखाते हैं आपको, इंजेक्टर दिए गए हैं इसके अंदर, कार्बोरेटर नहीं है इसके अंदर, इंजेक्टर दिया गया है। और वो इंजेक्टर मैं आपको दिखाता हूँ,
और अब जो ये 2020 का क्लासिक 350 जो मॉडल स्टार्ट हुआ है उसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दिया गया है। और जो पहले जो ये बॉक्स था, इस बॉक्स के अंदर एयर फिल्टर आता था, लेकिन अब ये बॉक्स कम्प्लीटली क्लोज कर दिया गया है। अब इसमें ना ही तो कोई स्पेस बाकी है, पहले एयर फिल्टर के ऊपर स्पेस रहता था जिसे हम बारिश के दौरान फ़ोन वगैरह रख सकते थे, लेकिन अब ये कम्प्लीटली बंद कर दिया गया है। और जो साइड वाला कार्बोरेटर होता था, अभी साइड फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम दे दिया गया। इधर आओ, ये जो कार्बोरेटर का सिस्टम था, जो कार्बोरेटर का एरिया था, वो पहले ही गाड़ियों में कार्बोरेटर का यहाँ दिया गया था, लेकिन यहाँ से अब सीधी पाइप जाके बिल्कुल इसके जो इंजेक्टर्स हैं उन्हीं के अंदर फिट कर दी गई है। अब इसमें कोई कार्बोरेटर का सिस्टम नहीं रहा इसमें। और ये इस साइड वाला जो बॉक्स है इसका, इस साइड वाले बॉक्स के अंदर इसके जो पहले की तरह थे, इसमें अब काफ़ी सारे फंक्शंस दे दिए गए। इसमें इसके फ्यूज़ वगैरह दिए जाते हैं, ये इसकी टूल किट है, साथ ही में इसके अंदर फर्स्ट एड का बॉक्स भी दिया जाता है छोटा। 2020 के हर मॉडल में अब ABS आने लग गए हैं, और अब 2021 वाला नया मॉडल आया है क्लासिक का, उसका रिव्यू भी आपको देंगे। ड्राइव से पहले मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूँ इसका साइलेंसर, और इसका जो साइलेंसर की आवाज़ रहती है वो कुछ इस प्रकार की रहती है। साइलेंसर इन्होंने चेंज करवा रखा है। दोस्तों कमेंट में बताना आपको इसकी आवाज़ कैसी लगी, अगर आपको लगता है कि इससे बेटर भी आवाज़ हो सकती है तो आपको बताना एक बार कौन सा साइलेंसर आप प्रेफर करोगे, तो कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। और ये जो साइलेंसर है ये इंदौरी साइलेंसर है, श्लेमान कंपनी का दिया गया है इन्होंने, और इसकी आवाज़ आपको कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। और राइड में बताते हैं आपको कि हाँ कैसी राइड रहती है गाड़ी की। और दोस्तों हम तो बस वैसे अपने खेत वाले एरिया में हैं, ये मेनली ज़्यादा इतना रोड चलता नहीं है तो इसलिए हमने हेलमेट नहीं लगाया हुआ। अगर आप कहीं चलें तो हेलमेट ज़रूर लगाएं, सेफ्टी ऑलवेज फर्स्ट। तो अब चलते हैं, आपको इसकी राइड की तरफ ले चलते हैं। चलो आइए बैठ जाओ, आजा। इसकी जो राइड है वो बेहद स्मूथली है, और इसका जो आराम से आप इसको ड्राइव कर सकते हो, लेकिन जो पहले वाइब्रेशन होती थी ना इस क्लासिक मॉडल के अंदर, वो वाइब्रेशन अब नहीं है। जो इसका जो था, जैसे ये जो अपने क्लच वगैरह हैं, ब्रेक हैं, इसके जो ये कैलिपर्स हैं, ये वाइब्रेट होने लग जाते थे, लेकिन इस मॉडल में मेरे को ऐसा नहीं लगा। इन्होंने काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर रखी है क्वालिटी अपनी, काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर रखी है, और इम्प्रूवमेंट इस गाड़ी के अंदर हमें दिख रही है। जो इसका जो हैंडल है वो बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं कर रहा, और अगर हम इसको स्पीडली ड्राइवन करते हैं तब भी मेरे को इसके अंदर इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन फील नहीं होती। और जो अब 2021 वाला मॉडल आया है उसमें तो काफ़ी हद तक इसके अंदर काफ़ी सुधार किया गया है, वैसे तो सुधार इसके अंदर भी किया गया है, लेकिन वो अब वाला है वो इससे भी नेक्स्ट जन लेके आए हैं। कभी करेंगे रिव्यू इसका और उसका एक साथ, देखते हैं कंपनी ने क्या क्या चेंज किया है। और दोस्तों एक बार आपको ऑनर, चलो दोस्तों इसी के साथ हम अपना व्लॉग करते हैं एंड। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।